हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश गाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मैं ग्रामर की सीरीज़ लेकर आ रहा हूं और इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने बनाने की कोशिश की है कि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फेस कर रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने अपने चैप्टर्स में रखने की कोशिश करी है जो कि उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आज का जो चैप्टर है वो है नाउन। सबसे पहले जानते हैं नाउन क्या है। नाउन को आसान शब्दों में याद करते हैं तो इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। डिफिनेशन से जानते हैं इसके। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। यानी नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी गुण का नाम, किसी दशा का नाम यानी अवस्था का नाम और किसी कार्य का नाम होता है। इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे पर्सन का नाम, पर्सन में कोई भी पर्सन हो, दिनेश, महेश, सुरेश, राम, राधा, टीचर, बॉय, डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, ये सारे पर्सन में आएंगे। इसके बाद है प्लेस। प्लेस में कोई भी प्लेस आप सोच सकते हैं, दुनिया की कोई भी वस्तु, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सिटी हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारे हमारे प्लेस के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद थिंग्स यानी वस्तुएं, आप जितने तरह की वस्तुएं देखते हैं, कार हो गया, बाइक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, ये सारे के सारे आपके प्लेसेज में आएंगे। इसके बाद आते हैं क्वालिटी में। किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की क्वालिटी जो होती है उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट होना उसका एक गुण है, लेकिन उस गुण का नाम क्या है उसको बोलेंगे ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा, ये आपका नाउन हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ब्रेव है, ब्रेव मीन्स बहादुर है, तो उस बहादुर के गुण का नाम क्या है, बहादुरी यानी ब्रेवरी। तो जो ब्रेवरी हो गई ना वो नाउन हो गया, क्योंकि वो उस गुण का नाम है। तो एग्जांपल में देखते हैं, ब्यूटी हो गया, काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, ये सारे गुण के नाम हो गए। उसी प्रकार से स्टेट, स्टेट माने दशा या अवस्था। कोई व्यक्ति इल है, कोई व्यक्ति हैप्पी है, कोई व्यक्ति सैड है, तो उस दशा का नाम क्या है। इलनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया। कोई व्यक्ति चाइल्ड है तो चाइल्ड की हुड की बोलते हैं उसको, चाइल्डहुड एक अवस्था है, मैनहुड, वोमेनहुड, ये सारे के सारे अवस्थाएं हैं। उसी प्रकार से एक्शन, हम जो कार्य करते हैं उसके नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्राइम जो है ना वो नाउन हो गया। चोर क्या करता है, चोरी करता है, थेफ्ट हो गया आपका नाउन। इसी प्रकार से जैसे बोलते हैं लाफिंग, लाफिंग मीन हंस रहा है, तो ही इज़ लॉफिंग, जो लॉफिंग वर्ड है वो आएगा आपका वर्ब में। लेकिन अगर हम उसको सब्जेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट के रूप में पेश करें, तो लॉफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और जो लॉफ्टर वर्ड है ये क्या हो गया, ये नाउन में आ गया, यानी ये एक्शन का नाम हो गया। तो इस प्रकार से नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, और एनिमल्स के नाम भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम नाउन को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, बाइसिकल हो गया, यानी वो काउंटेबल्स नाउन के अंतर्गत आते हैं। और वे नाउन जो हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको गिन नहीं सकते, वो हमारे होंगे अनकाउंटेबल नाउन्स में। जैसे हो गया मिल्क हो गया, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, उनको माप सकते हैं, वाटर हो गया, आयल हो गया, ये सारे के सारे, शुगर हो गया। तो अब है अगली हेडिंग, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के या किसी वस्तु का जो स्पेशल नेम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कोई बॉय है, उसका नाम अगर रमेश है तो रमेश जो होगा ना वो होगा उसका स्पेशल नेम, उसको हम रखेंगे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। कोई गर्ल है जिसका नाम गीता है तो उसका जो स्पेशल नेम है गीता वो है प्रॉपर नाउन। कोई सिटी है जैसे मुंबई हो गया, तो मुंबई उस शहर का स्पेशल नेम है,
पर्टिकुलर नेम है, तो पर्टिकुलर नेम्स को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। रमेश, गीता, मुंबई, रामायण, सुजुकी, हुंडई, ये सारे के सारे नेम्स जो हैं ये प्रॉपर नाउन्स में आएंगे। इसके बाद आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ही तरह के किसी वस्तु को, व्यक्ति को या स्थान को हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे बॉय रमेश भी है, सुरेश भी है, तो जो बॉय है ना वो रमेश को भी कहा जा सकता है और सुरेश को भी कहा जा सकता है, तो बॉय वर्ड जो है वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। दिल्ली भी सिटी है, मुंबई भी सिटी है, तो मुंबई तो स्पेशल नेम हो गया सिटी का, दिल्ली स्पेशल नेम हो गया, यानी ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन में। लेकिन जो सिटी वर्ड है वो हो गया हमारा कॉमन नाउन में। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। मुंबई इज अ बिग सिटी और दिल्ली इज आल्सो अ बिग सिटी, तो जो मुंबई है ये हो गया प्रॉपर नाउन, दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? सिटी। मुंबई को भी सिटी कहा जा सकता है और दिल्ली को भी सिटी कहा जा सकता है, तो जो सिटी वर्ड है ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक उसी प्रकार से महेश इज अ स्टूडेंट, सुरेश इज आल्सो अ स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट वर्ड है ना स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन में, तो बॉय कॉमन नाउन में। अब इनसे रिलेटेड दो तरह के एरर्स आते हैं प्रॉपर नाउन से रिलेटेड, उनको पढ़ते हैं। तो पहला रूल है, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, यानी प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है, मुंबई अगर कहीं किसी सेंटेंस के बीच में भी आता है, जैसे आई वेंट टू मुंबई, आई वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, तो देखो मुंबई यहाँ पे बीच में भी आ गया, मुंबई शुरू में भी आ गया, तो मुंबई जो प्रॉपर नेम है ये उसका पहला लेटर एम हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। उसी प्रकार से अगर वाक्य के स्टार्ट में, मध्य में या अंत में कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा इसमें रूल है, प्रॉपर नाउन इज समटाइम्स मेड कॉमन नाउन बाय यूजिंग आर्टिकल्स, कभी कभी हम प्रॉपर नाउन्स को कॉमन नाउन में बदल देते हैं। क्या करके? कैसे? आर्टिकल्स का यूज करके। एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे है, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, इसका ये मतलब हो गया कि हमने सचिन तेंदुलकर जो प्रॉपर नाउन है उसको यहाँ पे यूज किया हुआ है। किसी एक स्टूडेंट या किसी एक बॉय के बारे में बात हो रही है कि वो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, किसी एक प्लेयर के बारे में बात हो रही है, बोला जा रहा है कि वो हमारे टीम का सचिन तेंदुलकर है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सचिन तेंदुलकर बन गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो हमारे टीम में ऐसी बैटिंग करता है जैसे कि सचिन तेंदुलकर की करता था अपने टीम में, यानी सचिन तेंदुलकर की क्वालिटीज उसके अंदर हैं, उस तरह के गुण उसके अंदर हैं, ना कि वो सचिन तेंदुलकर बन गया है। इसलिए ये जो सचिन तेंदुलकर है ना, इसमें आर्टिकल द लगा दिया गया है और इसको क्या बना दिया गया है? कॉमन नाउन। एक एग्जांपल और देखते हैं, रत्नेश इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास, मतलब हमारे क्लास का रत्नेश गांधी जी है। इसका ये मतलब नहीं है कि रत्नेश हमारे क्लास का गांधी जी हो गया है, नहीं। गांधी जी के कुछ गुण थे जो नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस करते थे, अहिंसा की प्रैक्टिस करते थे। रत्नेश भी मारपीट, हिंसा में विश्वास नहीं रखता, वो भी नॉन वायलेंस में ही विश्वास रखता है, इसलिए उसके अंदर गांधी जी की कुछ क्वालिटीज हैं, इसलिए क्लास, यानी रत्नेश इज द गांधी जी ऑफ आवर क्लास। तो द गांधी जी यहाँ पे क्या हो गया है? गांधी जी तो है प्रॉपर नाउन, लेकिन इसको आर्टिकल लगा के हमने क्या बना दिया? कॉमन नाउन। जो तीसरा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी व्यक्तियों का या वस्तुओं के कलेक्शन के नाम को हम कहते हैं। जैसे
हमारी आर्मी है, आर्मी किस चीज़ का कलेक्शन है? आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ज्यूरी, जजों के का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसको ज्यूरी बोलते हैं। क्र्यू, किसी बोट पे या किसी शिप पे काम करने वाले जो नेवल ऑफिसर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्र्यू बोलते हैं। बंच, जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, अंगूरों का गुच्छा हो गया, तो जो टीम है ये खिलाड़ियों का कलेक्शन हो गया, तो उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जब उनको एज अ होल लिया जाता है, यानी एक यूनिट के रूप में लिया जाता है। अब कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एरर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए जाते हैं, जिसमें इसका एक कलेक्टिव नाउन का एक रूल है। रूल क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, यानी हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, एंड न्यूटर जेंडर व्हेन टेकन एज वन यूनिट। जब एक यूनिट के रूप में उसको देखा जाता है तो ये सिंगुलर नंबर होता है और न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल्स के माध्यम से इसको देखते हैं। द ज्यूरी हैव गिवन देयर डिसीजन। ज्यूरी होता है जजों का समूह, एक से ज़्यादा मेंबर्स जज होते हैं, वो मिला के ज्यूरी बनाते हैं। तो द ज्यूरी हैव गिवन देयर डिसीजन, इसको देख के हम ये मान सकते हैं कि जजों जज में कई जज होंगे, तो वहाँ पर हम टेंड होते हैं हैव लगाने के लिए, और उनके साथ जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो देयर करने के लिए हम टेंड हो जाते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। हैव और देयर यहाँ पे एकदम से रॉन्ग है। यहाँ रूल ये बताया गया है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, तो अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर जब एक यूनिट के रूप में होता है तभी भी बात हो रही है। तो ज्यूरी यहाँ पे एक डिसीजन दिया, इसका मतलब एक यूनिट के रूप में उसने डिसीजन दिया, तो यहाँ पे हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यूरी सिंगुलर नंबर हो गई है, तो इस जगह पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग यहाँ पे रॉन्ग है, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। गिवन देयर डिसीजन, देयर क्या होता है? ये प्रोनाउन है और ये कॉमन जेंडर में यूज होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जब एक यूनिट के रूप में कलेक्टिव नाउन यूज होता है तो वो न्यूटर जेंडर का हो जाता है। एक सिंगुलर न्यूटर जेंडर का प्रयोग करेंगे, जो कि होगा आपका इट्स डिसीजन। वहीं पे अगर जो हमारी कलेक्टिव नाउन है वो अगर डिवाइडेड होती है, यानी उनका ओपिनियन एक नहीं होता है, तो उसको हम हमेशा प्लूरल नंबर के रूप में देखते हैं, और वहाँ पे न्यूटर जेंडर तब नहीं रह जाता, तो उसको हम करते हैं द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस को समझने की ज़रूरत है कि ज्यूरी जो है उसके ओपिनियंस डिवाइड हैं। जैसे ज्यूरी के कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने अपराध किया है, और कुछ बोल रहे हैं मिस्टर एक्स ने अपराध नहीं किया, यानी उनकी ओपिनियन अब एक समान नहीं रह गई है, सबकी ओपिनियन डिवाइड हो चुकी है, अब वो एक होल ग्रुप के रूप में नहीं देखे जा सकते। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या लगाया? द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो ये सरासर वाज लगाना गलत है, क्योंकि जब एक यूनिट के रूप में ये काम करते हैं तब ये सिंगुलर नंबर होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अब इनकी ओपिनियन डिवाइडेड हो चुकी है, तो अब एक यूनिट के रूप में ये काम नहीं कर रहे, इनके अलग अलग स्वर आ रहे हैं, इसलिए जो वाज है यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इन देयर ओपिनियन हो जाएगा, यहाँ पे देयर वर्ड का यूज होगा, इट्स का प्रयोग नहीं होगा। यानी जब इनकी ओपिनियन डिवाइड हो गई तो ये प्लूरल हो गया ज्यूरी, और ये न्यूटर जेंडर में अब नहीं रहा, ये कॉमन जेंडर हो गया। तो कलेक्टिव से रिलेटेड इस तरह के एरर्स अक्सर दिए। हमारा जो चौथा नाउन है वो है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मैटेरियल नाउन उन सभी मैटर्स को कहा जा सकता है जिनसे हम कोई वस्तु बना सकते हैं, जैसे
मिल्क हो गया, मिल्क से हम मिठाइयाँ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। वुड यानी लकड़ी हो गया, लकड़ी से हम हाउस होल्ड के सामान बना सकते हैं, बहुत सारे फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कॉटन हो गया, आयरन से हम बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बना सकते हैं। कॉपर का यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह बनाने में और बहुत सारी चीज़ें बनाने में। कॉटन, कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं। तो ये सारे मैटर्स हैं। तो मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मैटर्स, यानी मैटर्स के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। इससे रिलेटेड हम रूल देख लेते हैं। मटेरियल नाउन इज ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, यानी मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए ये हमेशा किस नाउन इस नंबर में होता है, सिंगुलर नंबर में। और दूसरा जो रूल है इसमें, इट डज नॉट टेक एन आर्टिकल विद इट, यानी मटेरियल नाउन अपने साथ कोई आर्टिकल नहीं लेता है। तो देखते हैं, द कॉटन इज ए कैश क्रॉप, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। कॉटन क्या है, कॉटन मटेरियल नाउन है और इसके पहले क्या लगा हुआ है, द आर्टिकल, जो कि सरासर गलत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, द गलत है। एक्चुअल सेंटेंस होगा, कॉटन इज अ कैश क्रॉप, कॉटन इज अ कैश क्रॉप। दूसरा, एन आयरन इज अ यूजफुल मेटल, यानी आयरन मीन्स लोहा, लोहा एक उपयोगी मेटल है, धातु है, लेकिन यहाँ पे एन लगा दिया गया है, क्योंकि आयरन अनकाउंटेबल नाउन है जिसको गिना नहीं जा सकता और अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, तो यहाँ पे एन का यूज नहीं करना है। आयरन क्या होगा, आयरन जो है आपका, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। जो हमारा पांचवा नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, यानी क्वालिटी के नाम, अवस्था के नाम, एक्शन के नाम, वो सारे आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एग्जांपल में देखते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक गुण का नाम है, ब्रेवरी एक गुण का नाम है, कावर्डाइस एक दोष या गुण का नाम है, ब्यूटी सुंदरता एक गुण का नाम है, टाइम, डेथ, स्ट्रेंथ, ये सारे के सारे कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिनके नाम हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को इनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो सारी ना देख सकते हैं, खाली महसूस किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है उस पर जो रूल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, इसलिए ये क्या रहेगा, हमेशा यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और चूंकि ये सिंगुलर नंबर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये हमारे हो गए पांचों नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कॉमन एरर्स में आते हैं उस पर आपकी अच्छी खासी समझ बन चुकी होगी। इससे रिलेटेड मैं दो तीन क्वेश्चंस आप देने जा रहा हूं और आप इसके आंसर्स कृपया कमेंट में लिखें और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आप सबके लिए आने वाला होंगे। अगर एक बार आपने नाउन ऐसे पढ़ लिया तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। जैसे अब बारी है हमारे सवाल की जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो पहला जो क्वेश्चन है कॉमन एरर्स में, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। दूसरा क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल। और जो थर्ड क्वेश्चन है, कीप ऑन लाफिंग, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। इसमें हर सेंटेंस में कोई ना कोई एरर करके दिया हुआ है, आपको पहचानना है और क्वेश्चन नंबर डाल के उसका सही जवाब, एक वर्ड या दो वर्ड जितने भी वर्ड्स में आप दे सकते हैं, उसको कमेंट्स में कृपया डालिए और फिर अगला
पार्ट में बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।